पानी के जहाज जब चारों ओर से समंदर में तैरते हुए एक ठिकाने लगते हैं तो उस ठिकाने पर एक लाइट हाउस होता है जो घूमता रहता है। दूर दूर के जहाज उस लाइट हाउस को देख करके नजदीक आ जाते हैं। तो तुमको भी ऐसा ज्ञान का लाइट हाउस बनना है जो सारे विश्व से खींची हुई आत्माएं तुम्हारे नजदीक पहुंच जाएं। वो लाइट हाउस तो जड़ होते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं क्या कि जड़ रोशनी देते हैं? वो बनाते हैं जो पोर्ट का रास्ता बताते हैं कि यहां से चल करके पोर्ट में चक्कर लगा के आओ। तो लाइट हाउस तुम भी हो, तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी में है सुख धाम, या तो जीवन मुक्ति धाम कहो, और बैठे हो यहां दुख धाम में। तुम ये जानते हो कि ये दुख धाम अभी कब्रस्तान होने वाला है, अभी हमको सुखधाम चलना है, वाया शांति धाम। ये तो याद रह सकती है, समझाने की कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये याद रहने से कि बरोबर हम सुख दुखधाम में हैं, हम सुखधाम जा रहे हैं वाया शांति धाम। तो हम शांति धाम से आते हैं सुखधाम, और सुखधाम से आते हैं दुखधाम में, क्योंकि हमको 84 जन्म भी लेने पड़ते हैं। ये भी तुम बच्चों को मालूम है कि चक्र कैसा फिरना चाहिए कि बरोबर आधा कल्प में 21 जन्म हम सुखधाम में रहते हैं, क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है। बड़ी आयु होती है तो जन्म कम हो जाते हैं। सुखधाम और दुखधाम दोनों का टाइम बराबर है या कम ज्यादा है? सुखधाम है दिन और दुखधाम है अज्ञान की रात। तो रात और दिन बराबर होते हैं ना? आधा कल्प तो राजाई के लिए मिलता है ना, और अभी हम संगम युग पर हैं, और संगम युग वालों को ही बुद्धि में ये नॉलेज रहती है। जो अभी कलयुग में हैं, उनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती। जो ब्राह्मण बना वो संगम युग में आ गया। ये बात गीता में लिखी हुई है क्या? नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, और ये बहुत समझने की बात है और गुह्य राज है। ये समझेंगे भी वो जो बरोबर इतना पुरुषार्थ करते हैं कि हम बरोबर विश्व के महाराज महारानी बनेंगे, और हम औरों को भी ऐसा यथा राजा तथा प्रजा सुखी बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। जो इन्वेंशन सिखलाते हैं वो सीखते हैं, वो इन्वेंशन औरों को भी सिखलाते रहते हैं। ये कायदा है। वास्तव में जो कोई नई इन्वेंशन निकलती है तो गवर्नमेंट को बताया जाता है कि भाई ये नई इन्वेंशन निकली है, ये बहुत अच्छी है, फायदे वाली है,
भारत को बहुत मालामाल सुखी करेगी। तो उन लोगों की बुद्धि में बैठता है तो फिर वो लोग अपने हाथ में ले लेते हैं, पीछे वो शुरू करके देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में भी ऐसी इन्वेंशन आई। परंतु यहां तो ये खुद ही गवर्नमेंट है, कौन सी? रूहानी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट तो अलग है, कौन सी? जिस्मानी गवर्नमेंट तो अलग है और ये रूहानी गवर्नमेंट है। तो कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है? किसके हाथ में सत्ता आने वाली है इन्वेंशन की? वो गवर्नमेंट तो अलग है। उनका नाम क्या है शास्त्रों में? हैं? वो है कुरु, कुरु की औलाद, कौरव। अखबारों में, टीवी में, रेडियो में चारों ओर क्या एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, हम दिल्ली को क्या बनाएंगे? स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग बनाना ये हमारा काम है, हमारे सिवाय दुनिया में और किसी का काम नहीं है नरक को स्वर्ग बनाना। तो नाम क्या रख दिया शास्त्रों में? कुरु, हम करते हैं। ये अहंकार उस गवर्नमेंट के अंदर है और तुम्हारी है। नाम क्या है? पांडव गवर्नमेंट। पांडवों के बाप का नाम क्या था? पांडु, पंडा। पंडा अर्थात रास्ता बताने वाला, काहे का? सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताने वाला। तो तुम्हारी पांडव गवर्नमेंट है, कौरव गवर्नमेंट और ये है पांडव गवर्नमेंट। तो ये दो गवर्नमेंट शास्त्रों में गाई हुई है। वो गायन कहां का है? शास्त्रों में ये संगम युग का गायन है। संगम युग में ही दोनों गवर्नमेंट है ब्राह्मणों की दुनिया में। कौन कौन सी? पांडव गवर्नमेंट और कौरव गवर्नमेंट। तो जो नई इन्वेंशन निकली है कि हम भारत को मालामाल बना सकते हैं, वो कौन सी इन्वेंशन है जिसके आधार पर भारत नरक से स्वर्ग, कंगाल से मालामाल बन जाता है? वो इन्वेंशन बाप ने तो आकर के बताई, परंतु उस इन्वेंशन को जो बाप ने बताया उसको फॉलो किसने किया और किन्होंने फॉलो नहीं किया? कौन है जिन्होंने ब्रह्मा मुख से निकले हुए इन ज्ञान की बातों को, नई दुनिया की इन्वेंशन की बातों पर ध्यान नहीं दिया? वो है कौरव गवर्नमेंट। अहंकार में आकर के करते हैं, हम ये करेंगे। भले ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो भी क्या करते हैं? बड़े बड़े पोस्टर बनाते हैं और दीदी दादी दादाओं के चित्र त्रिमूर्ति में छपा देते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया,
कहते हैं शंकर और विष्णु तो कोई होते ही नहीं है, ये तो समझने के लिए दिखाई दिया है। ब्रह्मा का पार्ट हम बजाते हैं, विष्णु का पार्ट हम बजाते हैं और शंकर का भी पार्ट हम बजाते हैं। तो ये दो गवर्नमेंट हैं, एक कौरव गवर्नमेंट और दूसरी पांडव गवर्नमेंट। वास्तव में तो न गवर्नमेंट है वो कौरव गवर्नमेंट और न ये पांडव गवर्नमेंट है, वास्तव में नहीं है। अरे दोनों में से कुछ करके दिखाए तो गवर्नमेंट, दोनों में से किसी ने करके दिखाया क्या? अभी तक तो नहीं। गवर्नमेंट कहा ही जाता है राजधानी को, राजधानी में राजा रानी जरूर चाहिए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई भी ब्राह्मणों का हुजूम कोई को राजा रानी समझता है? है? नहीं समझता है? जब तक ब्रह्मा बाबा सरस्वती जिंदा थे तो राजा रानी समझते थे या नहीं समझते थे? अच्छा, फिर मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो किसी को राजा रानी समझा या नहीं समझा? किसको? दादी को राजा और मनमोहनी दीदी को रानी बनाई दिया। राजधानी का अक्षर ही राजा से निकला हुआ है, राजधानी, राज माने राजा, जिसके अंदर राज छुपा हुआ है, और धानी माने धारणा शक्ति, राजा की धारणा शक्ति। राजा के अंदर जो राज छुपा हुआ है, नई दुनिया बनाने का राज, उस राज को प्रैक्टिकल में लाने के लिए कोई प्रैक्टिकल धारणा शक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? या अपने आप बन जाएगी? चाहिए। जैसे दुनिया में प्लानिंग करने वाले अलग होते हैं और प्रैक्टिकल में बनाने वाले अलग होते हैं, तो ये राजधानी अक्षर ही राजा से निकला है। परंतु राजा तो यहां कोई है ही नहीं, न है कौरवों का ताज न है पांडवों को ताज, दोनों ही ताजलेस हैं। क्या ये क्या बोल दिया? बेताज बादशाह है, दोनों बेताज बादशाह हैं। अरे ताज का बेहद में अर्थ क्या बताया? जिम्मेवारी का ताज। मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है ब्राह्मणों की? है पवित्रता की जिम्मेवारी सभी ब्राह्मणों की है, बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी। पवित्रता धारण करेंगे और दूसरों को भी पवित्रता धारण कराएंगे, तो वो पवित्रता की ताज उन कौरवीय ब्राह्मणों को और पांडवी ब्राह्मणों को वो पवित्रता का ताज दिखाई देता है, देता है। दोनों को ताज नहीं, दोनों ताजलेस हैं। वो कुमार प्रश्नचित्त से देखता है, ऐसा है क्या? और वहां महाभारत में या भागवत में लिख दिया है कि दोनों को ताज था, तो झूठ लिख दिया है या सच्चा लिख दिया है?
महाभारत में भागवत में लिख दिया है वो झूठा लिखा है या सच्चा लिखा? तो फिर कहाँ की यादगार है? अरे संगम युग में ही तो बताया कि दोनों को ताज नहीं है। जो बेसिक के ब्राह्मण हैं वो भी पवित्रता के ताज को धारण करने वाले बन गए क्या? नहीं। और एडवांस के ब्राह्मण बन गए? छाती ठोक के कोई कहेगा कि हम बन गए है? करेगा? कहेगा? नहीं कहेगा। तो दोनों को ताज नहीं है। भागवत में लिख दिया है तो कहाँ की यादगार है? फिर वही संगम की। हाँ, जो भी यादगारें बनी हुई हैं वो अंत समय की यादगारें हैं या आदिकाल के और मध्यकाल के पुरुषार्थ की यादगार है? अंत समय में जब बाप भगवान प्रत्यक्ष होते हैं दुनिया में उस समय ये यादगार कायम होती है। कौन सी? कि पवित्रता का ताज धारण करने वाले ब्राह्मण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो भागवत महाभारत में लिख दिया है कि दोनों को ताज था और दोनों ने ही जुआ पर अपना ताज उतार के रख दिया। क्या क्या खेला? जुआ खेला। आज की दुनिया में जुआ खेलते हैं। इंडिया में तो खास कौन सा जुआ खेला जा रहा है बाहर की दुनिया में? अरे ये शेयर मार्केट क्या है? सेंटेक्स। जुआ खेलते हैं ना। तो दिखाते हैं जुआ खेला और जुए में ताज उतार करके रख दिया। देखो ये दीपमाला है ना, तुम लोगों ने ये डायलॉग कल बनाया था कि देखो इस समय जुआ तो जरूर खेलते हैं। कौन? चाहे बाहर की गवर्नमेंट और उनके फॉलोअर हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया की गवर्नमेंट और फॉलोअर्स हो, जुआ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं? है? खेलते हैं। दांव में क्या लगाते हैं? है? खेलते हैं तो दांव में क्या लगाते हैं? अरे कौन से ताज की अभी बात की? पवित्रता के ताज को दांव में लगा दिया। ये कैसे? अगर ज्ञान लेने के बाद कोई अपवित्रता का कर्म करते हैं तो ताज दांव पर लग जाता है ना। जिनको बेसिक ज्ञान है उनकी बुद्धि में तो है ही नहीं कि कर्म इंद्रियों से कर्म करते बुद्धि को कहाँ लटकाना है? बाप की याद में लटकाना है, परम धाम में बुद्धि रहे, ऊंची स्टेज में। अलर्ट होकर के खेलते हैं तो पवित्रता का ताज गिरेगा या थमेगा? अलर्ट होकर के खेलते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते हैं और बुद्धि से बाप को याद भी करते हैं तो पवित्रता का ताज गिरेगा या थमेगा? थम जाएगा। परंतु जिनकी बुद्धि में, जिन सन्यासियों की बुद्धि में ये बात नहीं है कि ये पवित्रता का ताज भगवान बाप आकर गृहस्थियों को देते हैं, वो सन्यासी, उनके पास वो इन्वेंशन ही नहीं है। क्या? कि कर्म करते, कर्म इंद्रियों से कर्म करते बुद्धि बाप की याद में टिकी रहे तो पवित्रता का ताज नीचे नहीं गिरेगा। तो
ये देखो दीपमाला बनी है, दीपमाला आती है तो परंपरा में जुआ खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं, हैं? खेलते हैं। तो जुआ क्यों खेलते हैं? कहते हैं कि नहीं, इसी समय तो भगवान ने पांडवों को कौरवों से जुआ खिलाई थी, वो रहेगा तो जुआ खेलने का इल्जाम तो उनके ऊपर रहेगा ना, क्योंकि पांडव श्रीमत पर थे और कौरव है, कौरव मन मत पर थे, मनुष्य मत पर थे, परंतु भगवान ने क्या श्रीमत दिया होगा पांडवों को? जुआ खेलो? कभी नहीं। हाँ, श्रीमत से जो श्रेष्ठ बनने वाले वो उल्टी मत कैसे लेंगे और दूसरों को कैसे देंगे? तो देखो ये शास्त्र है ना, सब दंतकथा है, अर्थ तो किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भरतनाट्य पेनी हम लोग लिखते हैं ना, तुम लिख सकते हो, डरना नहीं है, तुमको बाप अथॉरिटी देते हैं, तुम समझते हो और समझा सकते हो, क्योंकि बिना समझे तुम लिख भी नहीं सकेंगे। ओम शांति।
ये बम्बई का प्रातः क्लास चल रहा था शनिवार 26 अक्टूबर 1963। बात चल रही थी परमात्मा माना परमात्मा, परमात्मा नाम जरूर चाहिए, नहीं तो मनुष्य मुझे जाएंगे, इसलिए शिव नाम रखा हुआ है। असल नाम पक्का पक्का शिव है। क्यों? शिव के मुकाबले और नाम सब कच्चे हो जाते, और शिव नाम पक्का किस आधार पर है? शिव माना कल्याणकारी। पक्का इसलिए है कि जो भी नाम रखे जाते हैं वो काम के आधार पर नाम रखे गए हैं। शास्त्रों में भी काम के आधार पर नाम रखे हुए हैं। तो सुप्रीम सोल का पक्का नाम शिव इसलिए है कि वो जब साकार में आता है तो जो भी काम करता है उस काम का रिजल्ट कल्याणकारी होता है। अकल्याण हो ही नहीं सकता। कोई भी इंद्रियों से कार्य करता है कितना भी सहज कार्य हो या कठिन कार्य हो, अल्पकाल के लिए दुखदायी भी लगता हो तो भी रिजल्ट के रूप में वो कार्य सुखदायी ही साबित होगा, इसलिए उनका नाम पक्का पक्का शिव है। बाद में नाम पड़ता है रुद्र। रुद्र अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाला, भयंकर रूप धारण करने वाला। क्योंकि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है ना, इस ज्ञान यज्ञ में अंत में सारी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। तो इस समय में उनको फिर रुद्र भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल काम के आधार पर ऐसा रुद्र रूप दुनिया का कोई भी धर्म पिता धारण नहीं करता। ऐसा रुद्र रूप कि अपनी ही रची हुई रचना को भस्मसात कर देवे। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो रही है वो विनाश के लिए है, सबके मरने के लिए है। कोई भी नहीं बचेगा। मरना दो प्रकार से होता है। एक होता है जीते जी दे अभिमान से मरना, वो तो थोड़ी पुरुषार्थी आत्माएं निकलती है जो देहभान से मर जाती है। देहभान से जो मरते हैं उनके लिए देह से मरने की कोई बात ही नहीं। बाकी सारी दुनिया को देह छोड़नी पड़ती है।
अभी कितना अच्छी तरह से बच्चों को समझाते हैं। अभी माना कभी संगम युग में बाप स्वयं आकर के समझाते हैं कि रुद्र रूप धारण क्यों करते हैं, रुद्र नाम क्यों पढ़ते हैं। अभी कौन इसका अर्थ समझ सकेंगे? यहां इतने सब बैठे हुए हैं, बिल्कुल थोड़ा समझते होंगे। समझने में कोई न कोई पॉइंट में हार खा जावेंगे। अभी तुमको डान एंड डस्क, डस्क और डान, ये रात दिन याद है। अच्छा, जो बाहर वाला मनुष्य होगा वो बोलेगा वाह, ये तो कोई को भी याद होगा। डान माना सूर्योदय, डस्क माना सूर्यास्त। अरे नहीं, ये बेहद के दिन और बेहद की रात की बात है। बेहद का दिन तब होता है जब बेहद का ज्ञान सूर्य, बेहद का आत्मा मनुष्य, आत्माओं का बाप, इस सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। उसको कहा जाता है ब्रह्मा का बेहद का दिन। और जब अस्त होता है तो कहा जाता है ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात कब होती है, कहाँ यादगार है? हैं? माउंट आबू में यादगार है ना? दोनों ही यादगार माउंट आबू में है। ब्रह्मा की रात का यादगार तो पहले से ही बना हुआ है, और अभी ब्रह्मा के दिन की यादगार भी बन रही है। अचलगढ़ एरिया में अभी कोई भी सन्यासी नहीं जानते हैं कि बेहद का दिन और बेहद का रात कब होती है। कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, परंतु जानेंगे कभी नहीं। कोई से जाकर के पूछो कि ब्रह्मा की रात किसको कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन किसको कहा जाता है? शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। परंतु एक भी नहीं है जो कुछ बतावे। तो ले आ करके बाबा के सामने कर दो। इसलिए बाबा कहते हैं इनके तो जो भी वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद गीता वगैरह हैं, इन गुरुओं के लिखे हुए, इन सब में गपोड़े ही गपोड़े हैं। हाँ, ये जो है गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, क्योंकि वशिष्ठ यहां का नहीं है, वो तो राम राज्य का है, वो सन्यासियों का। कहते हैं हे राम जी, दुनिया बनी ही नहीं। अच्छा, दुनिया बनी नहीं है तो तुम कहां बैठे हो? तो ये वशिष्ठ नहीं है, बाकी भारत के जो शास्त्र सच्चे सच्चे हैं वो तो हैं,
सच्चे सच्चे शास्त्र हैं गीता, भागवत, महाभारत और रामायण। यूं तो थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ है, अष्टावक्र गीता, पांडव गीता, ऐसे तो फिर शिव पुराण, ये नाम तो बहुत हैं, पर हैं कुछ भी नहीं। वास्तव में है फिर भी एक गीता, क्योंकि गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है, परंतु वो गीता नहीं है जो मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है। वो सर्वशास्त्र शिरोमणि नहीं है। इस समय में जो बाप बैठ करके समझावे सहज राजयोग और राजयोग सिखलावे, जिससे तुम नरसी नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हो, इसका नाम पिछाड़ी में रख दिया है गीता। पर मैं तो आकर के पढ़ाता हूं, कोई गीता का गीत नहीं गाता हूं, श्लोक नहीं गाता हूं, मैं तो ज्ञान सागर हूं। मुझे थोड़ा ही कोई कहेंगे कि ये वशिष्ठ जानते हो, पूछेंगे वशिष्ठ पढ़ा है। राम अवतार पढ़ा है? नहीं। मैं तो ज्ञान का सागर हूं, मैं तुम्हारे से भी जास्ती अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए तो मैं तुमको सभी वेदों ग्रंथों वगैरह का सार समझाने आया हूं। कि उन वेद शास्त्रों में सार की बात क्या है, सार होता है ना, जैसे भूसे में से सार निकलता है, दाना निकलता है, तो दाना थोड़ा होता है, भूसा ढेर का ढेर होता है। मेरी बुद्धि में यानी आत्मा में ये सभी पार्ट पहले से उधा हुआ है, पहले से बना। ये जानने का या समझाने का पार्ट ये कोई मैंने शास्त्रों से नहीं पढ़ा है, ये ज्ञान तो मेरे अंदर पहले से ही है। कि आकर के तुमको इन वेदों ग्रंथों वगैरह का सार समझावे सुनावे, सहज राजयोग भी सिखावे, और तुम बच्चों को आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति देवे, ये है मेरा पार्ट। मेरे इस परमात्मा में जो पार्ट है सो भी स्थाई है, क्या और आत्माओं में वो ज्ञान का पार्ट स्थाई नहीं होता है। जैसे धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं, तो सतो प्रदान होते हैं, पहले पहले जब आते हैं तो उनमें ज्ञान होता है, फिर जब तमो प्रदान बनते हैं तो वो ज्ञान स्थाई रहता है? नहीं रहता है। तो मेरी जो परम आत्मा है उसमें स्थाई ज्ञान है, उसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकती है, क्योंकि यह है इम्पेरिशिबल अविनाशी पार्ट है, ये ड्रामा है। प्रियॉर्डेंट यानी ये बना बनाया है,
कभी भी इसकी एंड नहीं होती है। और तुम राम की सेना ने स्वर्ग बनाया है, और नरक किसने बनाया है? रावण ने नरक बनाया है। किसको? इस दुनिया को राम की सेना ने स्वर्ग और रावण की सेना ने नरक बनाया। तो फिर रावण की सेना ही कहो। अभी समझा ना? अच्छा, अभी टाइम हुआ है, तब तक टोली बांटो। ब्रह्मा टोली बहुत याद आती है। एक होता है हद का डॉन, डॉन टू डस्क यानी सुबह से रात। दूसरा होता है बेहद का डॉन, डॉन टू डस्क सतयुग से लेकर के कलह युग के अंत तक। क्या कहेंगे? डॉन टू डस्क, उसको कहा जाता है बेहद का दिन, उसको कहा जाता है बेहद की रात। सतयुग त्रेता बेहद का दिन, द्वापर कलयुग बेहद की रात। बेहद के दिन में सुख होता है। क्यों है सुख? क्यों होता है दिन में? क्योंकि दिन में आंखों से सब दिखाई पड़ता है, ठोकरें खाने की बात है ही नहीं। और रात में? रात में दिखाई नहीं पड़ता तो ठोकरें खाते हैं, दिशाएं भूल जाते हैं। तो बेहद की रात में होता है दुख। तो जहां सुख होता है वो सुखधाम, और ये रहा दुखधाम। अभी बेहद की रात पूरी होती है, बेहद का दिन उदय होता है। कहते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश, यानी अभी अंधियारा खलास होता है और सवेरा यानी सतयुग आता है, कलयुग खत्म होता है। अरे टोली दे दो ना, देखो ये कितने काम में आते हैं। परंतु इनसे वो काम में जास्ती आएगा। मनुष्य तो कृष्ण राधे को जो द्वापर में ले गए हैं, वो भी वहां से उनका मुझना निकल जाए, क्योंकि कृष्ण है सतयुग का। वो सतयुग का प्रंश है ना, और वहां दुख की बात है ही नहीं। उस बिचारे ने बहुत गाली खाई, गाली भी खाई और मूर्तियां बनाकर उनका मुंह भी काला कर दिया। धक्का खिलाया ना। दिखाते हैं टोकरी में डाल करके, नंद को नदी पार ले जाना पड़ा। बाबा को याद नहीं रहा शास्त्रों की बात, नंद को ले जाना पड़ा या वसुदेव को ले जाना पड़ा? है इसका मतलब क्या हुआ? बाबा ने नंद क्यों बोल दिया?
है। नंद माने आनंद देने वाला, तो जो वसुदेव है, वसु मानी धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला है, वो ही आनंद देने वाला है। बाबा का कहने का मतलब जो नंद नाम दिया है वो ये है। लेकिन बाबा कहते हैं कि टोकरी में डाल कर ले जाना ये सब गपोड़े हैं। क्या टोकरी में डाल कर ले गया है? फिर क्या बात है? हाँ, टोकरी कौन सी है, कौन सी बुद्धि है? हाँ, वसुदेव ले गया या नंद ले गया, वो कौन हुआ? कौन उस पार ले गया, काली नदी के उस पार? राम वाली आत्मा तो नहीं ले गई, ले जाने वाला कौन? शिव बाबा। वो ही हो गया नंद, वो ही हो गया शास्त्रों में दिया हुआ नाम वसुदेव। और कैसे ले गया? नदी के पार, विषय वैतरणी, काली नदी के पार कैसे ले गया? बुद्धि रूपी टोकरी में डालकर। किसकी बुद्धि रूपी टोकरी में डालकर है? अरे राम वाली आत्मा की बुद्धि रूपी पेट में डाल करके ले गया। यहाँ संगम है बुद्धि रूपी पेट, और सतयुग में क्या होगा? स्थूल पेट। वो ही राम वाली आत्मा और सीता स्थूल पेट से जन्म देंगे। और यहाँ यहाँ कैसे कृष्ण को पार कराते हैं? बुद्ध रूपी टोकरी में डालकर। क्या मतलब हुआ? कृष्ण की आत्मा राम वाली आत्मा की बुद्धि में प्रवेश करती है या नहीं करती है? शंकर के माथे पर क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। तो अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं या 16 कला संपूर्ण चंद्रमा दिखाते हैं? माना अधूरी आत्मा है। विषय वैतरणी नदी से प्यार होने से पहले अधूरी, और पार होने के बाद संपन्न बन जाती है 16 कला संपूर्ण। तो देखो स्थूल टोकरी की बात लिख दी, तो याद रख लेना ये स्कूल है, उनमें जो जो भी हेड होगा, मॉनिटर होगा, अव्वल नंबर में होगा, वो ही तो टीचर अच्छा लगेगा ना। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। परंतु यहां तो हम रख नहीं सकते हैं। क्या ऐसे नंबर वार यहाँ क्लास में बैठा ही नहीं सकते हैं? हम अगर तुम बच्चों को कहें अरे नंबर वार बिठाओ, तो नहीं बिठा सकते हैं, हो नहीं सकता है। ये वंडरफुल स्कूल है ना, तो वो नंबर वार बिठाना हो नहीं सकता है। अब स्कूलों में ऐसे ही बिठावे तो दमचक्कर मच जावे। अभी शायद यहां कोई नए भी आए होंगे, हैं? उन्हें पता ही नहीं है कि क्लास में आंखें बंद करके बैठना होता है कि खोल करके बैठना होता है। बाबा की याद में कैसे बैठना है? हैं? आंखें खोल कर बैठना है। अरे बच्चे,
जो नए आए हैं सो हाथ तो उठाओ। देखो मैं पहले हाथ उठाता हूं। किसने कहा है? है? ब्रह्मा बाबा ने। किसने कहा है? धीरे से बोलते। मैं पहले हाथ उठाता हूं नए आने वालों के बीच, तो किसने कहा होगा? शिव बाबा ने। अच्छा, शिव बाबा नया है? शिव बाबा पुराने से पुराना है कि नया है? हैं? इस सृष्टि में सबसे पुराना कौन है? शिव बाबा। उसकी यादगार क्या है? जो भी खुदाइयां हुई हैं दुनिया में जमीन की, उसमें सबसे पुरानी चीज क्या मिली? शिवलिंग। इसे क्या साबित होता है? सबसे पुराना कौन है? शिव बाबा। तो मैं पहले हाथ उठाता हूं ये किसने कहा? प्रजापिता ब्रह्मा ने कहा। शिव बाबा आता ही है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो वो नया हुआ कि पुराना हुआ? है हो तो पुराना हो गया। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं पहले नया आता हूं। क्या? हाँ, क्यों? सृष्टि पर नया पहले कौन आता है? है कृष्ण वाली आत्मा आती है, उसका बाप नहीं आता। कृष्ण वाली आत्मा इस सृष्टि पर पहले आती है कि उसका बाप आता है? उसका बाप पहले आता है। तो शंकर को अनादि दिखाया हुआ है शास्त्रों में, पुराने से पुराना है कौन दिखाते हैं? शंकर को, आदम को, एडम को, आदिनाथ, आदिदेव नाम दिए हुए हैं। तो पुराने से पुराना हुआ शिव बाबा, और इस सृष्टि पर नया कौन हुआ? जो राम वाली आत्मा है वही तो प्रजा, राम बाप है, प्रजापिता है। इस सृष्टि पर नई आने वाली आत्मा है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं पहले हाथ उठाता हूँ। क्योंकि क्यों उठाता हूँ? क्योंकि सब कोई ऐसे सीधा हाथ नहीं उठाते हैं कि मैं नया हूं। कुछ कुछ झिझक से उठाते हैं। देखो तुम हाथ ऐसे उठाते हो ना, ए हाथ उठाओ, देखो कैसे सीधे है इनका हाथ है? किसी से कहा हाथ उठाओ तो उसने पूरा हाथ उठा दिया। तो बाबा ने कहा कैसे सीधा है इनका हाथ? इन सबको शुरुआत में ड्रिल सिखलाई गई है। इतना हाथ उठाना चाहिए। ड्रिल करते हैं ना, तो ड्रिल टीचर देखता है कौन पूरा हाथ उठाते हैं, कौन है? झुकता झुकता उठाते हैं। तो देखो ये ड्रिल सिखलाई है, इतना हाथ उठाना चाहिए। तुम लोगों ने ये जो हाथ उठाया है ना, गोवर्धन पर्वत में वहां का भी ऐसे उठाया है। क्या कहा है? जो गोवर्धन पर्वत उठाया है उसमें भी हाथ ऐसा ऐसा उठाया या ऐसे उठाया है? ऐसे सीधा उठाया। ये गोवर्धन पर्वत क्या है? झुकता हुआ हाथ और सीधा हाथ क्या अंतर है? ज्यादा वजन झुकते हुए हाथ में उठा सकेंगे या सीधे हाथ में ज्यादा वजन उठा सकेंगे? सीधे हाथ में ज्यादा वजन उठाया जा सकता है। तो इसका नाम है गोवर्धन पर्वत। क्या वर्धन? गौ, गौ
दुनिया वालों ने तो जानवर गऊओं को समझ लिया कि भगवान ने कौन सी गऊओं को चराया, जानवर गऊओं को चराया। अब है वास्तव में ह्यूमन गऊओं की बात है कि भगवान जब आते हैं तो जो ह्यूमन गऊएं हैं कन्या माताएं भारत की खास, उन कन्याओं माताओं को इतना इकट्ठा करते हैं, इतना उनकी वृद्धि करते हैं, वर्धन करते हैं कि पहाड़ जैसा दिखाई पड़ता है। तो नाम के क्या दे दिया, गोवर्धन पर्वत। अब ये नई बातें हैं ना, ये तो मनुष्य बेचारे पूछे जाते हैं कि क्या है यहाँ। कोई भी साधु संत सन्यासी शास्त्रों में ये बातें तो है ही नहीं। क्या बातें हैं, वो तो जानवर गऊओं की बात करते हैं और ये ह्यूमन गऊओं को चराने की बात करते हैं। ये तो सबका खंडन कर देते हैं, सब शास्त्रों का खंडन कर देते हैं। बाबा बोलते हैं ये सब झूठे हैं, सब झूठे। और ऐसा कहने वाला भी कोई ताकत रखने वाला होगा ना, कैसा कहने वाला है। मनुष्य थोड़े ही ऐसा कह सकते हैं क्या है कि साधु संत महात्माएं सब झूठे हैं। अच्छा, कौन कह सकता है, मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्य उसको कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करता हो, मन चलाता हो तो मनुष्य। अगर मन का उपयोग नहीं करता तो मनुष्य तो हुआ नहीं। जानवर हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, पक्षी हो सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं हो सकता। तो ये शास्त्र सब झूठे हैं ऐसा कहने वाला कौन होगा ताकतवर। हाँ, शिव बाबा मन चलाता है, सोचता है, मनन चिंतन मंथन करके बोलता है नहीं। शिव बाबा के बुद्धि में तो सारा ज्ञान ऑलरेडी रहता ही रहता है स्थाई रूप में, वो मनन चिंतन मंथन करके क्यों बोलेगा। तो अगर मनुष्य कोई ऐसा बोले कि ये साधु संत महात्मा सब झूठे हैं तो झट उनके ऊपर केस कर दें। बाबा तो कहते हैं मेरे ऊपर कोई केस करे तब मजा आए। शिव भगवान वाच, ये जो भी हैं साधु संत महात्मा हैं ये सब 95% झूठ जरूर है। क्या अगर कोई सच्चे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5%, इससे ज्यादा सच्चे तो कोई हो नहीं सकते। गीता झूठी, भागवत झूठा, रामायण झूठा, महाभारत झूठा, उनमें भी 5% आटे में लून जैसा कुछ सच्चाई है। जैसे आटे में नमक डाला जाता है इतनी सच्चाई है, बाकी सब झूठा है। इतने वेद ग्रंथ शास्त्र की बेअदबी। करते हैं कौन है, इतने ढेर के ढेर वेद ग्रंथ शास्त्र हैं, सबकी बेअदबी करते हैं, ये कौन करते हैं। कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता, करे तो लोग उसके ऊपर केस कर देंगे।
तो कौन है? हैं? तो भाई किसको केस करना चाहिए? किसको केस करना चाहिए ना? मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं करता है। क्योंकि अंदर में तो सब समझते हैं। क्या ये कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और अंदर में समझ भी जाते हैं कि मेरे अंदर परमात्मा नहीं है, मेरे अंदर तो कोई दुष्ट आत्मा है। सब अंदर अंदर समझते तो है ना। हाँ, एक दिन करेंगे क्या? एक दिन ऐसा भी आवेगा जो ये साधु संत महात्माएं केस करेंगे। किसके ऊपर केस करेंगे? जो ताकत रखने वाला होगा ऐसा कहने के लिए कि ये सब झूठे हैं। कभी कभी उछलते भी हैं, परंतु अभी उनका भी तो कोई बड़ा हेड चाहिए ना। किनका? साधु संत महात्माओं का। तो अभी कोई नहीं करते हैं, जब करेंगे तो उनका हेड सामने आ जाएगा। साधु संत महात्माओं का हेड कौन? बाबा तो चाहते हैं कोई केस करे। तुम भी रड़ियां मारते रहो, क्योंकि भारत का है मुख्य शास्त्र, जिनका बहुतों ने बैठ करके व्याख्या टीका की है। कौन से शास्त्र की टीका ज्यादा की है? और तुम कहेंगे ये सब गीताएं झूठी हैं। कौन सी सब गीताएं? मनुष्यों ने लिखी हुई जो भी टीकाएं हैं गीता की, चाहे शंकराचार्य गीता हो, चाहे रामानुज गीता हो, चाहे राधा कृष्णन गीता हो, चाहे कोई भी गीता हो, सैकड़ों टीकाएं हैं गीता की। तो तुम कहेंगे सब गीताएं झूठी हैं, तो उसमें फिर सब झूठे हो गए। गांधी गीता, टैगोर गीता, गंगे गीता, ज्ञानेश्वर गीता, राजा राम गीता, गीताएं तो ढेर की ढेर है। और तुम एकदम बताते हो सब झूठी। तो झूठे लोग हैं, झूठी बनाने वाले, झूठा बोलने वाले, उनको झूठे लोग कहा जाता है। गाया भी जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये काया, ये शरीर हुआ ना, ये जो शरीर है ये झूठे हैं या सच्चे हैं? पूरे झूठे हैं। फिर तो सारा संसार झूठा। तुमको सिद्ध करके बताते हैं ना, ये सबसे झूठे फिर कौन है? सबसे जास्ती झूठे कौन है? जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कौन सर्वव्यापी है? ईश माने शासन करता, और वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। इस दुनिया में
जो सबसे श्रेष्ठ शासन करने वाला है वो झूठा है, सर्वव्यापी है। अब ऐसा हो सकता है क्या? है भगवान जो सबसे श्रेष्ठ शासन करने वाला है, प्यार का सागर है या मार मारता है तब शासन करता है, पुलिस रखता है या मिलिट्री रखता है शासन करने के लिए? नहीं। कैसा शासन करता है, काहे का शासन करता है? प्यार का शासन करता है। तो ऐसे ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हैं, सब संसार झूठा हो गया। अच्छा, सबको टोली मिली, टोली खिला खिला के ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा बाबा सबको खुश करते रहते। जिसको नहीं मिली है वो हाथ उठाओ। अच्छा, तुमको दे रहे हैं, इनको नहीं मिली है। अच्छा, आज क्या है? सैटरडे है। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो डरो मत, यहां कोई जादू नहीं है। आंखों में डालने वाला कोई सुरमा नहीं है। कहते हैं ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अंजन को सोना भी कहा जाता है। ये अंजन कोई वो अंजन नहीं है स्थूल, वो अंजन तो आंख में सब कोई लगाते हैं और अनेक प्रकार के अंजन होते हैं। वो अंजन तो मैन्युफैक्चर्ड भी होते हैं। यहां तो ज्ञान की बात है, ये मैन्युफैक्चर्ड अंजन नहीं है। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, सदगुरु एक है। कहते भी हैं गुरु अनेक और सदगुरु एक। कलयुग गुरुओं के पास तो कोयला बनाने के लिए, काले बनाने के लिए कोयले का काला अंजन होगा ना। देखो अभी सभी काले बनते जाते हैं। अच्छा, बाप दादा, मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिकिंदे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग।